सबसे पहले तो सिस्टम में वाली डॉट ए पी के फाइल जो रिप्लेस करनी है वो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से, और उसके बाद ES Explorer खोलिए और उसमें आप जाइए डिवाइस में, डिवाइस सिस्टम लिब ऐप, उसके बाद सिस्टम UI फोल्डर में जाइए, सिस्टम UI फोल्डर में सिस्टम UI डॉट ए पी के होगा जो आपका करंट यू आई है, उसको रिनेम करके सिस्टम यू आई सेव कर दीजिए फॉर द बैकअप पर्पस, और उसके बाद जो आपने सिस्टम यू आई डॉट ए पी के फाइल डाउनलोड की थी रिप्लेस करने के लिए उसको कॉपी कर लीजिए जाके, ये है को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको सेम फोल्डर में जाके पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपने सिस्टम यूआई डॉट एपी को रीनेम है। बस उसके बाद आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिएगा, आपका सिस्टम यूआई चेंज हो जाएगा। This method is based on Flashable SIP और ये UI 5.9.28s पे टेस्ट किया गया ओनली, तो हम इसे Flashify से फ्लैश करने जा रहे हैं। इसके लिए Flashify इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करिए, उसके बाद एक डिक्लेमर आएगा, उसमें क्या करना है आपको एक्सेप्ट कर लेना है डिक्लेमर को, रूट एक्सेस अगर मांगता है तो ग्रांट कर दीजिएगा, क्लिक ऑन ज़िप फाइल, फिर चूज अ फाइल, और फाइल जो आपने डाउनलोड की है डिस्क्रिप्शन से ज़िप फाइल जो कि फ्लैशेबल है उसे सेव करिए, और क्लिक ऑन PWRP ऑल फिल्स, देन क्लिक ऑन यप, और उसके बाद क्लिक ऑन यूज प्रोवाइडेड, और आखिरी में रिपोर्ट करना है आपको सिस्टम। ये मेथड तो आपको पता होगा, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करिए, TWRP रिकवरी में जाके और फाइल सिलेक्ट करिए, फाइल सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश, और नेक्स्ट है जस्ट रीबूट द सिस्टम।